गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों को बहुत दिन बाद आज यूफोरबिया मिली से मिलाते हैं। इतना सुंदर करके खिल रही है, बहुत दिन हो गया ना आप लोगों को टेरेस गार्डन भी नहीं दिखाया। ये देखिए कितना सुंदर सुंदर फूल खिल रखा है। सुबह का टाइम है और अभी तक कितना बज रहा है, 8 बज रहा होगा, लेकिन सूरज ठीक से निकल नहीं रहा है। अभी बादल बादल हो रखा है। ये देखिए ये तो उसका तो पत्ता ही झड़ रहा है, ये नया लाया हुआ है। ये देखिए कितना सुंदर फ्लावर खिल रही है, ये तो सूख गया है। ये देखिए नजारा एक बार, ये देखिए बहुत सारा फ्लावर था इसमें, ये पौधा में पत्ता भी बहुत सारा था, अब तो सारे झड़ गए। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें, कभी पत्ते झड़ते रहते, कभी फूल झड़ते रहते, हो तो रहा है नॉन स्टॉप। देखिए ये सारा कली आ रखा है नया नया। देखिए सारे अच्छे से खिला हुआ है। ये दो नया आया है, ये और ये। यहाँ का पानी की वजह से देखिए सब खराब हो जाते हैं। ये लाल वाला और बाकी तो ये स्नेक प्लांट, ऐसे एक डेढ़ महीने पहले इसको ये तीनों लगाया था। इसमें देखिए अब कितना सारा आ गया, नया नया बच्चा आने लग गया। इधर भी देखिए ये मिर्ची का पौधा तो पता नहीं क्या ही हो गया, इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा। नीचे लगाया तो बहुत सारा हुआ था, इसी का मैंने वीडियो डाला था ना 3-4 दिन पहले। ये देखिए यहाँ पे भी छोटा छोटा कितना सुंदर हो रखा है। जेट प्लांट भी, ये सब ग्रोथ ही नहीं हो रही है आजकल, इसमें भी बहुत सारा आने लग गया। देखिए ये मैंने दार्जिलिंग से लाया हुआ था, पानी नहीं है, मैं गांव जाने के बाद इसका देखभाल कम हो गया है, तो ये कैसा कैसा हो गया। इसमें भी कलर आने लग गया है, क्या नाम था इसका, पौंचे किया। ये सब तो अच्छे से ग्रोथ हो रही है। तुलसी का पौधा भी कुछ कुछ मरने लग गया है और ये कैक्टस, ये सब तो हैप्पी है, ठीक ही है। ये देखिए सारा घास घूस उठ के रखा हुआ, छत पे भी मेरा तो आना ही नहीं हो रहा है, दीदी ही सब संभाल रही है यहाँ पे। तबीयत भी खराब है मेरा तो। ये देखिए कैक्टस, कितना तो कैक्टस था, अभी तो कम हो गया, बारिश में बहुत सारा मर गया। ये देखिए ये तो सब ऐसे कैसे ही है, इसको थोड़ा प्रूनिंग कर दिया, इसमें नया डाले आने लग गया है। इसको खाना भी दिया हुआ है, इसका मतलब गोबर खाद वगैरह दीदी ने सब दे दिया है। जेट प्लांट देखिए पत्ता है इसका भी झड़ने लग गया कुछ कुछ, और जो मैंने लगाया था वो देखिए इतना बड़ा हो गया है। ये छाया में है ना इसलिए ग्रोथ नहीं होता है, छाया में रखने से इसको ना पूरा फुल सनलाइट होने से ये अच्छे से ग्रोथ होता है। इसको कुछ बंजर लुक दूंगी मैं, थोड़ा प्रूनिंग करके जाती हूँ। ये देखिए अभी इसको ऐसे करके रखा हुआ है। यहाँ पे सारे बुद्धा है, बुद्धा है। एडिनिया में भी कुछ फ्लावर आ रखे, देखिए ये सुंदर सा ये भी। और यहाँ पे इधर एक पिंक कलर, इधर भी हो रखा, ज्यादा नहीं है। अब ये देखिए सीजनिंग प्लांट क्या है, सिर्फ पिटूनिया है अभी, कुछ तो है नहीं। ये भी सुंदर सुंदर खिल रही है। अभी ये और एक महीने बाद पूरा पॉट भर जाएगा और भी गार्डन बड़ा हो जाएगा, अभी धीरे धीरे लगाना शुरू किया है। ये देखिए सुंदर सुंदर है ना, ये देखिए रेड कलर, ये तो सारा क्या है नाम इसका, गुलदाउदी। ये तो पुराना वाला पेड़ है, इसको प्रूनिंग कर करके अभी देखो कलिया आ गया,
इसमें फ्लावर हो गया तो ठीक है, इसमें तो पता नहीं आ रहे, इसमें तो कली आ गया। देखिए छोटा छोटा इसमें भी सारा आने लग गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग को दिखाएंगे बाद में, एक दो महीने बाद फिर दिखाएंगे, कुछ नया प्लान लाने से भी दिखाएंगे। और ये देखिए कितना खराब हो गया है, इश पूरा जल जाता है ये मनी प्लांट। क्या कमी है पता नहीं इसमें, खाना की कमी क्या है बोला ना, बस हमारे इधर पानी की का मतलब पानी अच्छा नहीं है, पानी की ही कमी है इसमें, पानी में खाने। ये देखो मैंने स्नेक प्लांट लगाया था ना, स्नेक प्लांट के पत्ते से कितना सुंदर ग्रोथ हुआ है, धूप में अच्छा होता है ये। आप लोग भी गार्डनिंग करो, अभी प्लांट्स लगाओ, पूरा सूखा हुआ पौधा है सारे के सारे। अभी मैं प्लांट्स में पानी दूंगी फिर जाऊंगी घर।